हेलो बच्चों, ग्रामर की क्लास में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। और आपने 1 1 फॉर 48 सेंटेंसेस पढ़ लिए थे, 2 बार में उसकी एक्सरसाइज होती। नाउ ये अब ग्रामर का सेकंड टर्न है जिसमें आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ोगे। तो बच्चों पहले शुरू करते हैं, एक्टिव वॉइस क्या है, एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। जब एक्टिव के 12 सेंटेंस हो जाते हैं फिर भी हम पैसिव के 8 सेंटेंस क्यों पढ़ते हैं, ये डिफरेंस आज आपको यहाँ मिलेगा। आज आपको फ़र्क महसूस होगा कि कैसे एक्टिव और पैसिव को पढ़ना ज़रूरी है। दोनों अलग अलग सेंटेंसेस होते हैं और दोनों ही ग्रामर के बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं। चलिए आइए देखते हैं एक्टिव वॉइस क्या है बच्चों। तो इसमें देखिए, जब कोई करता, एनी डूअर, कोई काम स्वयं करता है। वेन एनी डूअर डज एनी वर्क इट्सेल्फ, जब कोई काम स्वयं करता है अर्थात वो कार्य उसकी इच्छा के अनुरूप होता है तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। अतः यहाँ पर कर्ता प्रधान होता है। द डूअर इज प्रिंसिपल हेयर, प्रिंसिपल क्लॉज हेयर, राइट। तो इंग्लिश में भी व्हेन अ डूअर डज द वर्क इट्सेल्फ देयर इज वी कैन से एक्टिव वॉइस, वहाँ पर एक्टिव वॉइस होता है। इसका एग्जाम्पल एक ले लिया बच्चों, राजीव एक पत्र लिखता है। तो राजीव हो गया सब्जेक्ट या डूअर, एक पत्र हो गया ऑब्जेक्ट आपको पता है, और लिखता है क्या हुआ बच्चों, वर्ब। तो जब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो देखिए, राजीव डूअर अपनी जगह पे आ जाएगा, वर्ब सेकंड नंबर पे आ जाएगा, राइट्स लिखता है और ऑब्जेक्ट थर्ड नंबर पे चला जाएगा। तो इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा, राजीव राइट्स अ लेटर। अब पैसिव को समझ लेते हैं, पैसिव क्या है बच्चों। पैसिव वॉइस, जब कोई करता कोई कार्य स्वयं नहीं करता बल्कि उस पर कोई बल या प्रेरणावश उससे करवाया जाता है, अर्थात जहाँ पर कर्म प्रधान होता है उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। वेन एनी पर्सन डज नॉट वर्क इट सेल्फ इट आर इट इज़ फोर्स या हु इज़ फोर्स टू डू एनी एक्टिविटी। तो वेन अ डूअर इज फोर्स और कंपेल्ड टू डू एनी एक्टिविटी इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। जब उससे काम बलपूर्वक या प्रेरणावश करवाया जाता है, जबरदस्ती करवाया जाता है, तब उसे हम एक्टिव से पैसिव वॉइस कहते हैं, राइट। ऊपर वाले सेंटेंस ले लिया बच्चों, राजीव राइट्स अ लेटर। तो हमने यहाँ क्या देखा, हमने देखा यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ हो गई। तो इस तरह से बना सेंटेंस, अ लेटर इज़ रिटन बाय राजीव, ठीक है। अब आगे समझ लेते हैं क्या पैसिव क्या होते हैं बच्चों और कितने तरह के पैसिव बनते हैं, वो ये है यहाँ पे। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट, नंबर 2 पास्ट इंडेफिनिट, नंबर 3 फ्यूचर इंडेफिनिट, नंबर 4 प्रेजेंट कंटिन्यूस, नंबर 5 पास्ट कंटिन्यूस, नंबर 6 फ्यूचर कंटिन्यूस नहीं बनता है, उसके जगह पे 6 नंबर प्रेजेंट परफेक्ट, 7 नंबर पास्ट परफेक्ट और 8 नंबर, 8 नंबर बच्चों वो होगा फ्यूचर परफेक्ट। और 9th पे है लेट वाले वाक्य, इंपरेटिव वाक्य, जिसमें ऑर्डर्स, रिक्वेस्ट, फॉरबेट, मना करना, प्रपोज्ड, प्रस्ताव रखना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसके कॉमन रूल्स क्या हैं बच्चों, देख लीजिएगा। सामान्य नियम जो सभी पैसिव में काम करते हैं क्या है, देखिएगा। सब्जेक्ट वुड बी चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, कर्ता कर्म बन जाता है ऑब्जेक्ट नंबर सेकेंड, ऑब्जेक्ट वुड बी चेंज इनटू सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट में बदल जाता है, कर्म कर्ता बन जाता है। वर्ब शुड बी यूज्ड इन थर्ड फॉर्म ऑलवेज, हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म यूज होगी बच्चों, क्रिया की सदैव थर्ड फॉर्म प्रयोग होगी। और बाय का प्रयोग, यूज बाय अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट बाय का प्रयोग करना है, और न्यू ऑब्जेक्ट से पहले करना है, ओल्ड सब्जेक्ट के, ओल्ड सब्जेक्ट समझ लो या न्यू सब्जेक्ट समझ लो उससे पहले करना है। हेल्पिंग वर्ब वो आपको टेंस के अकॉर्डिंगली चेंज करनी है, राइट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव में बच्चों अफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ये आएगा, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में डू डज या कैन का प्रयोग होगा, सिंगुलर के लिए डज, प्लूरल के लिए डू, और सकता सक्ति के लिए बच्चों कैन का प्रयोग होगा। यहाँ पर देख सकते हो आप आराम से, अच्छे से देख सकते हो। और इसी का पैसिव अगर हम बनाएं तो सिंगुलर, प्लूरल और मैं के लिए, इस सिंगुलर के लिए, मैं के लिए एम, और प्लूरल के लिए आर का प्रयोग होगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कैन अगर बच्चों होगा तो कैन हटेगा नहीं बल्कि उसके साथ बी लगा के उसे थर्ड फॉर्म बना सकते हैं। तो इस तरह से हम कैन के साथ भी पैसिव बना सकते हैं। नेक्स्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस,
बच्चों पास्ट इंडेफिनिट टेंस स्टोरी के लिए और हिस्ट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण, अगर आपने इसे स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो एक्टिव में सेकंड फॉर्म या नेगेटिव, और इंट्रोगेटिव में डिड या कुड का प्रयोग होगा। और उसके साथ बच्चों यहाँ पर इसे फर्स्ट फॉर्म समझ लेंगे, ठीक है बच्चों? ये क्या है, थर्ड फॉर्म नहीं आएगी, इसे आप फर्स्ट फॉर्म समझ लीजिएगा, राइट? मैंने स्पेशली इसे बताया था आपको कि थर्ड फॉर्म नहीं आएगी और इसके साथ ऑलवेज डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा बताया था यहाँ पे कि डिड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, नहीं आएगी फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो डिड होगा तो फर्स्ट फॉर्म, डिड नहीं होगा तो सेकंड फॉर्म, डिड नहीं होगा तो फर्स्ट फॉर्म, डिड होगा तो फर्स्ट फॉर्म, डिड नहीं होगा तो सेकंड फॉर्म, राइट? तो इसकी पैसे में हम वॉज वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर के लिए वॉज, प्लूरल के लिए वर, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। और अगर बच्चों कुड होगा तो कुड हटेगा नहीं बल्कि कुड के साथ बी लगा के थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे। तो इस तरह से कुड बी प्लस थर्ड फॉर्म, सकता सकती के लिए, सका सकी के लिए। थर्ड थिंग्स होती है बच्चों फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल आईवी के साथ, आईवी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल लगेगा, उसके बाद कंडीशंस आ जाएंगी, तो आईवी के साथ उल्टा हो जाता, आईवी के साथ शैल, आईवी के साथ विल आ जाता, बाकी सबके साथ शैल। और मॉडर्न इंग्लिश में वैसे तो आप सबका प्रयोग, सबके साथ विल का यूज़ किया जाता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पैसिव अगर बनाएंगे तो विल बी और शैल भी आ जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस में बच्चों रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये सारी आइडेंटिफिकेशन होती है। जब इसकी एक्टिव बनाते हो तो आप इज एम आर प्लस वर्ब की एनजी फॉर्म लगाते हो, और जब पैसिव बनाते हो तो इज एम आर प्लस बींग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के इसे कंप्लीट कर लेते हो, राइट? नेक्स्ट थिंग है बच्चों पास्ट कंटिन्यूस। पांचवा सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूस में रहा था, रही थी, रहे थे, ये इसकी आइडेंटिफिकेशन होगी। सिंगुलर के लिए वॉज, प्लूरल के लिए वर लगाओगे, प्लस आईएनजी फॉर्म लगाओगे, और उसी के साथ साथ जब आप पैसे बनाओगे तो वॉज वर हटेगा नहीं बल्कि बींग लग के, ये इसकी पहचान होगी। बींग से आपको समझ में आएगा कि ये आईएनजी फॉर्म या कंटिन्यूस वाला, बींग लग के थर्ड फॉर्म लग जाएगी, तो ये कंप्लीट हो जाएगा सेंटेंस। नेक्स्ट है बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंगुलर के लिए चुका है, चुकी है, चुके, ये पहचान होती है। सिंगुलर के लिए हैज, प्लूरल के लिए है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लगाओगे। उसी तरह से जब हम इसकी पैसिव बनाएंगे तो सिंगुलर के लिए हैज बीन, प्लूरल के लिए हैव बीन, और हैज बीन और हैव बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हो आप, करोगे आप, राइट? तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। पास्ट परफेक्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस तरह के सेंटेंस देखने को मिल जाएंगे। जब आप इसकी एक्टिव बनाओगे तो हैड सभी के लिए आप लगेगा, लगेगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। और जब आप इसकी पैसिव बनाओगे तो बच्चों हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट? फ्यूचर परफेक्ट की तरफ बढ़ते हैं तो इसकी पहचान ऐसे हो सकती है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इस तरह से, या लिया होगा, दिया होगा। जब इसे एक्टिव बनाएंगे तो बच्चों आई वी के साथ शैल है, बाकी सबके साथ विल है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आप लगाएंगे। जब आप पैसिव बनाएंगे तो विल हैव बीन और शैल हैव बीन लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इस तरह से सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से बच्चों ये सारे, अगर सेंटेंस की बात करें तो ये नौ टेंस, आठ आठ टेंस बन गए, जिसमें से फ्यूचर कंटिन्यूस और तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस। तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इन तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस की पैसिव नहीं बनती है, राइट? अब आ जाते हैं नेक्स्ट नाइन्थ नंबर, वो इम्परेटिव सेंटेंस है, यानी लेट वाले वाक्य कह सकते हैं। लेट वाले वाक्य के फॉर्मूले तीन तरह से बनाए जा सकते हैं। देखिए बच्चों इसमें लेट का प्रयोग होता है, तो लेट का प्रयोग आज्ञा देने के लिए या मांगने के लिए, आज्ञा मांगने के लिए, आज्ञा देने के लिए प्रयोग होता है इसका प्रयोग। तो ऐसे बना लेंगे लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब की। तो अगर लेट को हम एक नंबर दे दें, सब्जेक्ट को हम दो नंबर दे दें, और बी को हम पाँच नंबर दे दें, और वर्ब की थर्ड फॉर्म को छः नंबर दे दें, तो इसमें से ये फॉर्मूला बनने के बाद दो फॉर्मूले और बन जाते हैं, वो ऐसे कि डू नॉट को नॉट टू में बदलेंगे बच्चों। तो डू नॉट को नॉट टू में बदलने के लिए, नॉट टू में जब हमने बदला तो हमने नॉट का नंबर रख दिया तीन, और टू का नंबर रख दिया हमने चार। तो इस तरह से हम दोनों का कॉम्बिनेशन बना लेंगे, दोनों का संयुक्त सूत्र बना लेंगे। वो इस तरह से हमने तीन और चार नंबर छोड़ दिए थे ना बच्चों बीच में, वन टू फाइव सिक्स, और तीन और चार नंबर छोड़ दिए, ये तीन और चार नंबर बीच में फंसा लेंगे। इस तरह से बन जाएगा सेंटेंस डू, जैसे लेट फर्स्ट नंबर हो गया, सब्जेक्ट सेकेंड नंबर हो गया, और नॉट थर्ड नंबर हो गया,
टू फोर्थ नंबर हो गया बी, फिफ्थ नंबर हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। इजीली, बहुत इजीली मेड ये फॉर्मूला है, आप इससे सेंटेंस बहुत इजीली बना लोगे बच्चों, बहुत इजीली बना के देखिएगा। उसके बाद एक और चीज बताना चाहूंगा, जहां पर प्लीज लगा होगा बच्चों उसे यू आर रिक्वेस्टेड टू में चेंज कर दोगे। अगर आपको लगेगा किसी सेंटेंस में एडवाइस दी जा रही है, सलाह दी जा रही है, तो आप उसे चेंज करोगे इस तरह से, यू आर एडवाइज टू। अगर आपको कहीं पे लग रहा है कि कोई भिखारी टाइप का व्यक्ति या भिखारी जैसी कोई चीज मांगी जा रही है, कुछ मांगी जा रही है, तो आप उसे यू आर बेग्ड टू लगा दोगे। अगर कहीं आपको लगे कि ऑर्डर दिया जा रहा है या आदेश दिया जा रहा है, तो आप यू आर ऑर्डर टू उसे कर दोगे। अगर कहीं लग रहा है आपको प्रपोजल है, अगर कहीं प्रस्ताव लग रहा है, तो यू आर प्रपोज टू। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो, अपने आप भी वर्ब को चेंज कर सकते हो, जिस तरह के इमोशंस आप, भाव आपको महसूस हो। ये बस थोड़ा सा बस मैंने आपको एग्जांपल के रूप में बताया था। प्लीज़ तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, सलाह हो तो यू आर एडवाइज टू, मांगना हो तो यू आर बेग्ड टू, ऑर्डर हो तो यू आर ऑर्डर टू, प्रस्ताव हो तो यू आर प्रपोज टू। इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं बच्चों। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, पर एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है, तो मैं सोच रहा हूँ बता ही दूँ आपको। इसकी एक्सरसाइज में चार पांच सेंटेंस होते हैं बच्चों, वो देख लीजिए किस तरह से। जैसे पहला सेंटेंस आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, मिस्टर शर्मा टीच मी ग्रामर, मिस्टर शर्मा मुझे ग्रामर पढ़ाते हैं। इसमें बच्चों दो ऑब्जेक्ट यूज हुए, पहला ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो मी है, दूसरा ऑब्जेक्ट है ग्रामर है। बेटा जितने सेंटेंस में जितने ऑब्जेक्ट होते हैं उतने सेंटेंस हम बना सकते हैं। तो पहला सेंटेंस आपने बनाया मी को आगे ले आए, ठीक है, वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट हैं, तो एक ऑब्जेक्ट को आगे ले आए, जिसे हम कहेंगे मी। मी को जब आगे लाए तो आए, आए के साथ एम लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, ग्रामर दूसरा ऑब्जेक्ट वहीं रखा रहेगा वर्ब के बाद, तो आई एम टॉट ग्रामर बाय मिस्टर शर्मा। सेकेंड टाइप से बना लिया आपने, तो मी को वहीं रहने दिया, ग्रामर को उठा के आगे ले आए, तो आपने ऐसे बना लिया ग्रामर इज टॉट मी, वर्ब के बाद मी रखा रह गया, बाय मिस्टर शर्मा। तो इस तरह से दो बार सेंटेंस बना लिया हमने। नेक्स्ट सेंटेंस है बच्चों पास्ट इंडेफिनिट। मैंने जिस तरह से रूल आपको बता दिए, अगर आप करना चाहेंगे तो बहुत ही सिंपल मेथड से आप एक्टिव पैसिव अच्छे से बना लेंगे, मुझे ऐसा लगता है। नेक्स्ट सेंटेंस आई रोट हिम अ लेटर, मैंने उसे एक पत्र लिख दिया, तो इसमें भी बच्चों दो ऑब्जेक्ट है, एक हिम ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट अ लेटर, तो ये भी दो सेंटेंस बना लेंगे इसे। ही वॉज हिम को आगे लाए तो ही बन गया, ही वॉज रिटन अ लेटर बाय मी, और दूसरा अ लेटर वॉज रिटन हिम बाय मी, ये भी बना लिया हमने। उसके बाद नेक्स्ट फ्यूचर कंटिन्यूस फ्यूचर इंडेफिनिट का ले लिया बच्चों, तो शी विल सिंग अ स्वीट सॉन्ग, वह एक मधुर गीत गाएगी, ये पूरा अ स्वीट सॉन्ग पूरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे तो ऐसे बन जाएगा अ स्वीट सॉन्ग विल, मैंने बताया आपको विल हटता नहीं है और साथ में बी भी लग जाता है, अ स्वीट सॉन्ग विल बी संग बाय हर, ठीक है। नेक्स्ट बेटा दो तीन इंपरेटिव सेंटेंस ले लिए बनाने के लिए। जैसे एक सेंटेंस होता है बहुत छोटा सा सेंटेंस है, डू इट, इसे करो या यह करो, तो आपने कैसे बना लिया इसे, मैंने बताया कि जितने भी इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं उस या तो सीधे वर्ब से शुरू होते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, या बच्चों प्लीज से शुरू होते हैं, या बच्चों मत माने डू नॉट से शुरू होते हैं, या लेट से शुरू होते हैं। बात आई ना आपके समझ में, या तो इंपरेटिव सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, नंबर सेकेंड डू नॉट यानी मत से शुरू होते हैं, नंबर थर्ड प्लीज से शुरू होते हैं, और लेट से शुरू होते हैं। तो यहाँ पर इसे हम लेट से शुरू करते हैं। डू नॉट अगर है तो इट, हमने इट समझ लिया ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे, पर उससे पहले हम लेट का यूज़ करेंगे, तो लेट इट, फिर हम इसमें बी तो लगाते ही लगाते हैं, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो इस तरह से डू इट छोटा सा सेंटेंस ऐसे बना लिया जाएगा, लेट इट बी डन, राइट। सेकेंड है डू नॉट ओपन द गेट, दरवाज़ा मत खोलो, दरवाज़ा मत खोलो या गेट मत खोलो, तो डू नॉट का बच्चों लेट टू, डू नॉट का नॉट टू से बना जाता है, ऊपर वाली कंडीशन में बताया था 1 2 3 4 5 6, तो लेट फिर सब्जेक्ट द गेट, फिर नंबर 3 नॉट, फिर नंबर 4 टू, नंबर 5 बी, और नंबर 6 वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। लेट द गेट नॉट टू बी ओपनड, और दूसरा ऐसे भी बना सकते हैं मना करने की दृष्टि से, क्योंकि फॉरबिड एक ऐसा वर्ड है जिसमें नॉट इंक्लूडेड रहता है, आपको दूसरी तरह से आगे सेंटेंस में कहीं भी यू आर नॉट नीडेड टू पुट एनीवेयर नॉट, कहीं भी आपको नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। यू आर फॉरबिड टू ओपन द गेट, ऐसे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है लास्ट वाला बच्चों,
प्लीज़, मैंने बताया था जब भी प्लीज़ होगा तो उसे यू आर रिक्वेस्टेड टू में चेंज कर ही देते हैं। तो नंबर फर्स्ट क्लॉज ये रह गया प्लीज़ को, यू आर रिक्वेस्टेड टू यहाँ तक, और आगे की चीज़ में कोई छेड़छाड़ नहीं करते, वो वैसे ही रख देते हैं सिंगल स्वीट सॉन्ग। तो इस तरह सेंटेंस बन जाएगा बेटा, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिंग अ सॉन्ग। तो इस तरह से बच्चों आपने पूरी की पूरी एक्टिव और पैसिव का रिवीजन कर लिया बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही सरल तरीके से। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। अगर चैनल पे नए फर्स्ट टाइम देख रहे हो, अपने मित्र को, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बच्चों।